हे गाइस, वेलकम टू डैशिंग ऑटो। आज लेके आया काफी कमाल के डैशिंग अपडेट्स को लेके दोस्तों ऑटो न्यूज में। दोस्तों काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है। बेसिकली मैंने सोचा क्यों ना वीकेंड पे आपके लिए बहुत सारे न्यूज को इकट्ठा करके लेके आया जाए, क्योंकि दिन में कई बार एक न्यूज आ जाती है, कई बार दो आती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, छोटी सी वीडियो बनती है। तो गाइज इस वीडियो में कवर करेंगे हम पूरे हफ्ते की जो भी अपडेट्स आई हैं ऑटो न्यूज में। गाइज सबसे पहले बता दूं, मारुति सुजुकी की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है। उन्होंने फाइनली अपने फ्लेक्स फ्यूल वाले वैगनर को शोकेस कर दिया है दिल्ली में दोस्तों इस वीक के अंदर में स्टार्टिंग में, और उन्होंने बताया है कि 2025 तक वो फ्लेक्स फ्यूल कंपेटिबल वाली जो कार्स होंगी उसको इंडिया में लॉन्च करेंगे। गाइज उन्होंने सिर्फ अभी शोकेस की है, अभी इसके ऊपर काम बाकी है। उन्होंने बताया है कि इसके ऊपर अभी काम होगा, अभी बनेगी, उसके बाद धीरे धीरे लेके आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्लेक्स फ्यूल वाले इंजन 2 साल बाद मुझे लगता है कि ईवीज के अंदर ज्यादा जोर देना चाहिए, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे क्या सिट्रोन की तरफ से EC3 मॉन्कर दोस्तों ये कंफर्म हो चुकी है, गाड़ी दोस्तों आने वाली है 30.2 किलोवाट पर आवर के हिसाब से बैटरी के। दोस्तों बैटरी तो काफी अच्छी है, वैसे बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड इसकी रेंज हो सकती है 350 किलोमीटर टोटल फुल चार्ज होने पे। इसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर 3.3 किलोवाट का AC चार्जर मिलेगा हमको। अब दोस्तों देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे 86 HP पावर, 143 नैनोमीटर का टॉर्क मिल सकता है। दोस्तों गाड़ी बहुत जबरदस्त हो गया सर बताया जा रहा है। विजली जो पेट्रोल वाली जो आती है वैसे ही इसके अंदर फीचर्स वगैरह होने वाले हैं, चेंजेस नहीं होने वाले हैं, सिर्फ ये मोटर लग जाएगी, इलेक्ट्रिक हो जाएगा। बाकी गाइस देखते हैं आपको क्या लगता है, कमेंट बताइएगा। वैसे एक्सपेक्टेड प्राइस बता दूं तो 10-12 लाख हो सकता है। इवन दो ऐसा बताया जा रहा है कि शायद इसको यहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए, अच्छा होगा अगर इंडिया में प्रोड्यूस हो जाए या फिर असेंबल हो जाए, काफी बढ़िया प्राइस पे आ सकती है। वैसे गाइस यहां पे बता दूं मर्सिडीज बेंज की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है। मर्सिडीज ने दोस्तों अपनी विजन EQXX इसको अनवील कर दिया है, शोकेस कर दिया है इंडिया में। दोस्तों बहुत जल्दी लॉन्च होगी ये गाड़ी, वैसे गाड़ी बहुत जबरदस्त होगी। सबसे मेन चीज ये है कि इसमें आपको 1000 किलोमीटर तक की रेंज मिलने वाली है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा है, कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि इसे आप एक बार फुल चार्ज करके एक महीना अपना काम पे जाओ आओ आराम से चलाओ, इसका चार्ज चलता रहेगा। ये 1000 किलोमीटर काफी अच्छे होते हैं। वैसे गाइस यहां पे आपको बता दूं इस गाड़ी के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि 900 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा 100 किलोवाट की पर आवर के हिसाब से बैटरी लगी होगी। दोस्तों इसमें 117 सोलर पैनल सेल्स भी लगे होंगे रूफ के ऊपर, जिसके हिसाब से आपको 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो गाड़ी दोस्तों बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे सारी इमेजेस लगा रहा हूँ, देखिए कैसे लग रही है दिखने में। वैसे गाइस मैंने इसका ऑलरेडी थोड़ी बहुत चीजें बताई थी पहले जब ये ग्लोबली अनवील हुई थी, तो अब इंडिया में भी आ रही है, देखते हैं क्या प्राइसिंग होती है। क्योंकि दोस्तों अगर इतनी ज्यादा फीचर्स के साथ में आएगी मर्सिडीज बेंज है तो प्राइसिंग भी अच्छी खासी हो सकती है। वैसे गाइस यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है, जो गाड़ियां दोस्तों 2023 में डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। बेसिकली गाइस आपको याद होगा मैंने बताया था जो हमारे फ्यूल नॉर्म्स हैं वो चेंज होते हैं हर साल, जिसकी वजह से कुछ गाड़ियां जो है उनमें नहीं करा जा सकता है चेंजेस, तो उनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। दोस्तों इन गाड़ियों की लिस्ट आ चुकी है, तो आपको बता दूं बहुत सारी गाड़ियां हैं, टोटल लगभग 17 कार्स हैं जो कि डिसकंटिन्यू हो जाएंगी इंडिया में से। दोस्तों इनके अंदर आपको बताऊं सबसे पहला नाम है i20 डीजल, उसके बाद वर्ना डीजल, एल्ट्रॉस डीजल, इसके अलावा दोस्तों माराजो है, इसके अलावा अल्ट्रॉस G4 है महिंद्रा की, यहां पर KUV100 भी है जो कि डिसकंटिन्यू हो जाएगी, KUV100 बिल्कुल ही प्रॉपर चली जाएगी। यहां पर ऑक्टिवा सुपर भी है स्कोडा की तरफ से, वो भी चली जाएंगी। क्विड 800 किक्स, ऑल्टो 800 भी चली जाएगी दोस्तों, वो भी नहीं रहने वाली है। इसके अलावा इनोवा क्रिस्टल पेट्रोल, सिटी Gen 4, Gen 5 डीजल वाली, इसके अलावा अमेज वो भी डीजल वाली, और साथ में आपको बता दूं जैज और WRV, ये गाड़ियां 17 में नाम लिए हैं, ये प्रॉपर तरीके से इंडिया से खत्म हो जाएंगी, डिसकंटिन्यू हो जाएंगी अगले ईयर में। दोस्तों जो नए फ्यूल नॉर्म्स आ रहे हैं जिसकी वजह से ये खत्म हो जाएंगी। वैसे गाइस यहां पे एक अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है Hyundai की तरफ से, Hyundai वर्ना की जो नेक्स्ट जनरेशन वर्ना आने वाली है। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि ये ओनली पेट्रोल आएगी, जैसा मैंने ऑलरेडी बोली दिया वर्ना डीजल जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। इसके अंदर दोस्तों आपको ट्विन डिस्प्ले मिलने वाली है, टच डिस्प्ले की बात कर रहा हूं, तो ये काफी अच्छा अपडेट है। इसके अलावा इंटीरियर एक्सटीरियर में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब मटेरियल में चेंज होने वाला है। दोस्तों इसके अलावा इसमें अडास चेक तो आने वाला है, साथ में आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आने वाला है, तो यानी कि दोस्तों गाड़ी बहुत जबरदस्त होने वाली है। अब दोस्तों देखते हैं कब तक ये गाड़ी लॉन्च होती है। इसके सारी इमेजेस जो टेस्ट करते हुए देखी गई है वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखिए दिखने में कैसी लग रही है, अपने कमेंट कीजिएगा व्यू की कैसी लग रही है। दोस्तों वैसे अभी तो कवर्ड है, ज्यादा कुछ हमें दिखेगा नहीं, लेकिन काफी अच्छी होने वाली है, बताया जा रहा है कि एक्सटीरियर में भी थोड़े चेंजेस होने वाले हैं। लेट्स सी कि और क्या कुछ नया देखने को मिलता है। वैसे कि अगर आप BMW X1 का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है। डीलर लेवल पे उन्होंने अपनी बुकिंग को शुरू कर दिया है, 50,000 रुपीज का टोकन अमाउंट है, आप देखिए बुक कर सकते हो। दोस्तों यहां पे एक चीज बता दूं, ऑफिशियल बुकिंग नहीं है, डीलर लेवल पे मैंने बोला है,
जब ऑफिशियल लेवल पे होगी तो वहां पे आपको 2 लाख रुपीज एज अ टोकन अमाउंट देना पड़ेगा, तो ध्यान रखिए इस चीज को। वैसे गाइस यहां पर बता दूं 48V मिडल हाइब्रिड इंजन के साथ में आने वाली ये गाड़ी है, जनवरी में लॉन्च होगी, जनवरी के 18th के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये कब लॉन्च हो रही है, या फिर 18th या 19th को शायद लॉन्च हो जाए, और फिर हमें पता चलने वाला है कि इसकी डिलीवरी कब तक शुरू होगी। बाकी गाइस गाड़ी बहुत जबरदस्त है, जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं, बुक करवाना चाहते हैं, करवा पाएंगे जल्दी ही। वैसे गाइस मर्सिडीज की तरफ से AMG E53 दोस्तों ये है कैबरोलेट। दोस्तों ये गाड़ी जो है ओपन आप कह सकते हो रूफ के साथ में आने वाली है, जो इसमें रूफ लग भी जाती है। तो यहां बता दूं ये 6 जनवरी को आने वाली है, इसका रोड मैप बताया जाएगा कि कब लॉन्च होगी, कब इसकी डिलीवरी शुरू होगी और कैसे कैसे बुक कर सकते हो। तो 6 जनवरी को हमें सब कुछ पता चलने वाला है कंपनी की तरफ से ऑफिशियली, ये काफी अच्छी बात है, कंपनी अनाउंस करेगी तो हमें एक्जैक्टली सारा कुछ पता चल जाएगा। वैसे गाइस कहा जा रहा है 0-100 4.6 सेकंड में पकड़ लेती है, बाकी गाइस काफी ज्यादा रिफाइन होकर आने वाली, काफी ज्यादा अच्छी होकर आने वाली है। देखिए क्या प्राइसिंग होती है, अब आप एक्सपेक्टेड लगाइए कि क्या प्राइस हो सकता है कमेंट्स में। दोस्तों वैसे बात करते हैं महिंद्रा थार की 5 डोर वाली, दोस्तों ये आने वाली है बहुत ही जल्दी लॉन्च होगी। बताया जा रहा है कि इंडिया में इसे स्पॉट कर लिया गया है, इसका इंटीरियर साउंड निकल गया है, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि जो 3 डोर वाली है बिल्कुल दिखने में वैसी होगी, सेम एज इट इज, लेकिन इसमें 2 चीजें ऐड हो जाएंगी। जो सेकंड रो है उनके लिए लेग रूम ज्यादा हो जाएगा, प्लस कार्गो एरिया जो है, कार्गो स्पेस है वो ज्यादा हो जाएगा। तो गाइज हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी स्पेस ज्यादा हो रही है। बाकी इंजन की बात करें, लुक्स की बात करें, इंटीरियर एक्सटीरियर की बात करें, लगभग सब कुछ सेम ही होने वाला है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। अब देखते हैं प्राइसिंग में कितना फर्क होता है, क्या 1-2 लाख ज्यादा बढ़ेंगे या थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, एक्सपेक्टेड देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे अभी मेरे पास नहीं आया है, पर जैसे ही आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों ये नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च हो सकती है। वैसे गाइस फाइनली बात करते हैं 2 व्हीलर्स की, और बता दूं इंडिया में BMW की तरफ से S1000RR बाइक लॉन्च हो चुकी है इस वीक। दोस्तों काफी अच्छी बाइक निकल के आई है, यहां पे आप बता दूं ये बाइक के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है, 210 HP की टोटल पावर मिलेगी। दोस्तों 210 बोला मैंने, ये बहुत अच्छी पावर है, 113 Nm का टॉर्क रहेगा, टॉर्क लगभग सेम ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। वैसे इस बाइक के अंदर आपको एक नया अडास का नया मोड मिल जाएगा, स्लीक, और इसके अलावा दोस्तों यहां पे आपको एक नया डायनेमिक ब्रेकिंग कंट्रोल भी मिल जाएगा, जो कि एक्सीडेंट वगैरह को होने से थोड़ा मतलब अवॉइड करेगा, बचाएगा आपको, कोशिश करेगा। दोस्तों इसके अलावा बाइक के अंदर 3 तरह के मॉडल्स आते हैं, स्टैंडर्ड, प्रो और प्रो एंड स्पोर्ट। दोस्तों स्टैंडर्ड की बात करते हैं 20.25 लाख रुपीज में लॉन्च हुआ है, और सबसे बड़ा वाला जो है 24.45 लाख रुपीज के अंदर। बाइक बहुत जबरदस्त है, जो भी लोग ट्राई करना चाहते कर पाएंगे जल्दी। दोस्तों बाइक जो है काफी ज्यादा हैवी है और काफी ज्यादा बढ़िया हो चुकी है। वैसे गाइस इसी के साथ में BMW ने अपनी CE04, दोस्तों ये इनकी स्कूटी हो सकती है जिसको लॉन्च करने वाले हैं, इसको अनवील कर दिया है दोस्तों इंडिया में, काफी ज्यादा जबरदस्त है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो 0-100 ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ 4 घंटे और 20 मिनट में हो जाएगा, तो ये काफी अच्छी चीज है। यहां पे दोस्तों इसमें 3 राइडिंग मोड्स भी आने वाले हैं, और दोस्तों ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल ABS वगैरह, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। दोस्तों देखते हैं क्या प्राइस होता है, ऐसा बताया जा रहा है 15 लाख से तो ज्यादा ही रहेगा, बट फिर भी लेट्स सी क्या निकल के आता है। BMW है तो महंगा ही रहेगा, बट गाइस काफी ज्यादा बढ़िया फीचर्स के साथ में आने वाली है, काफी अच्छी पावर और काफी अच्छी रेंज में मिलने वाली है, देखते हैं ये कब तक लॉन्च होती है। वैसे गाइस फाइनली आपको डुगाटी की तरफ से डेजर्ट एक्स को लॉन्च कर दिया गया है, काफी अच्छी बाइक निकल के आई है, 17.91 लाख रुपीज के अंदर लॉन्च हुई है। दोस्तों बाइक का प्राइस देख के ही आप बता सकते हो कि बाइक काफी अच्छी होगी। इसके अंदर आपको रिट्रो स्टाइल मिल जाता है, जिसमें आपको 21 इंच का वायर स्पोक व्हील और 18 इंच का वायर स्पोक व्हील मिल जाते हैं, फ्रंट में 21 है, पीछे 18 है। दोस्तों यहां बता दूं बाइक के अंदर आता है टोटल 937 cc का इंजन। दोस्तों ये एल शेप्ड है, एल ट्विन, इस आपको बता दूं 110 HP की पावर, 92 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। बाइक बहुत ही अच्छी है, जो भी लोग ट्राई करना चाहते कर पाएंगे जल्दी। दोस्तों ये अवेलेबल हो चुके हैं मार्केट में परचेज के लिए। वैसे गाइस हीरो की तरफ से अच्छा अपडेट नहीं निकल के आ रहा है, हीरो की X+200 2V दोस्तों इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो ये बाइक जो है आपको नहीं मिलेगी, अगर कहीं डीलर के पास पड़ी होगा स्टॉक में तो ही मिलेगा, इसके अलावा ये नहीं मिलने वाला। वैसे गाइस लास्ट अपडेट निकल के आ रहा है सुजुकी की तरफ से, इनकी बर्गमैन सट्रीट EX इन्होंने लॉन्च कर दिया है दोस्तों, अपडेटेड वर्जन हम कह सकते हैं 1,12,000 रुपीज के अंदर। दोस्तों ये जो है स्कूटी काफी अच्छी है, वैसे रियर साइड में आपको 12 इंच का इसमें व्हील मिल जाता है, यहां पे आप बता दूं इसके अंदर आपको 124 cc का इंजन मिल जाता है, जो कि 8.6 HP की पावर प्रोड्यूस करता है और 10 Nm का टॉर्क, तो जो भी लोग ट्राई कर पाएंगे जल्दी ही। दोस्तों ये भी अवेलेबल हो चुका है परचेज के लिए। दोस्तों फाइनली आज के डैशिंग ऑटो अपडेट्स यहीं पे करते हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा किया क्योंकि वीकेंड पे हम लोग काफी सारे न्यूज को इकट्ठा करके लेके आए हैं, सो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।